पम्पकिन यानी कि कद्दू बहुत कॉमन वेजिटेबल है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। देखिए हर दिन हम लोग कुछ नए नए बातें आपको बताना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहता है हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, तो हम लोग को लगता है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक हम लोग पहुँचा दें तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए सरल हो जाए, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। तो पम्पकिन जो है ये आपको मालूम है इतनी बड़ी साइज़ की मिलती है, और ये लौकी ग्रुप का ही चीज़ है, पर इसमें होता कितना कैलोरीज है, 25 कैलोरीज, 100 ग्राम खाएंगे तो सिर्फ 25 कैलोरीज होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 4.5 ग्राम के आसपास, मॉइस्चर होता है 92.5%। तो याद रखिएगा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़ा है, तो वज़न कम करने के लिए पम्पकिन बहुत ज़बरदस्त काम करती है। पम्पकिन में एक अच्छी बात है, आँख के लिए बड़ा फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है, और आपको मालूम है बीटा कैरोटीन से बनता है विटामिन ए, और ये बहुत फ़ायदा करता है। पम्पकिन में थोड़ा बहुत फाइबर होता है जो बड़ा मदद करता है। अच्छा, पम्पकिन में एजिंग को रोकने के कुछ केमिकल्स हैं जो बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं, वो हमें यंग रखने का काम करता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी होता है। विटामिन सी आपको मालूम है ब्लीडिंग को रोकने के काम में आता है, हड्डी को मजबूत करता है, और विटामिन सी हमारी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। पोटेशियम होती है इसमें, पोटेशियम हमारे लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ है क्योंकि फ्रूट्स में बहुत सारे पोटेशियम मिलती है, इसमें भी बहुत पोटेशियम मिलता है। तो कद्दू का सब्ज़ी आप ज़रूर खाइए, कद्दू का जूस भी पी सकते हैं, और आँख के लिए कद्दू बहुत अच्छा है, तो कद्दू की सब्ज़ी बनाइए। थोड़ा सा मिठास सा लगता है बट दैट इज़ नथिंग टू वरी फॉर डायबिटिक, तो कद्दू का सब्ज़ी आप खाइए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कद्दू के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हम लोग को ज़रूर लिखिए, पर मैं आपको हर दिन कुछ नई नई बातें हर सब्ज़ी हर फल के बारे में बताऊँगा, क्या मालूम आपके काम में आ जाए। थैंक यू सो मच।